बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 10 अप्रैल की पिछले 24 घंटे की कोरोना की जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो आपको दे रहा हूँ। कल तक 11,623 टेस्ट हुए थे, पिछले 24 घंटों में 586 टेस्ट और हुए हैं। सिंध में इस वक्त तक आज सुबह तक 12,209 टेस्ट हुए हैं। इन 12,209 टेस्ट में से टोटल 1214 लोग पॉजिटिव हैं, 1128 कल थे, 86 अफराद पिछले 24 घंटों में पॉजिटिव हुए हैं। टोटल जो इस मर्ज से सेहतियाब हो गए हैं उनकी तादाद 358 है, पिछले 24 घंटों में 9 लोग सेहतियाब हुए। टोटल जो इस मर्ज से अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं उनकी तादाद 22 है, पिछले 24 घंटों में एक डेथ और हुई है। इस वक्त 521 लोग घरों में हैं, होम आइसोलेशन में, 35 लोग गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में हैं और 278 लोग अस्पतालों में हैं। पिछले 24 घंटे में एक डेथ हुई मेरे बहनवी सैयद मेहदी शाह, 52 साल की उनकी उम्र थी। 8 मार्च को उनको कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया था, अस्पताल में दाखिल हुए थे और कोरोना से तो वो जंग जीत गए थे। 29 मार्च और 30 मार्च को 2 टेस्ट किए गए, उसमें कोरोना नेगेटिव आया था, लेकिन जो उसकी वजह से उनको पल्मोनरी प्रॉब्लम्स, उनके लंग्स और रीनल प्रॉब्लम्स जो हुए थे उसकी वजह से वो ज़िंदगी से जंग हार गए, अल्लाह ताला को कल रात को प्यारे हो गए। इवन दो उनको अस्पताल ने कहा था कि जी कोरोना से तो ये नेगेटिव हो चुके हैं, कोरोना ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हमने हुकूमती जो डायरेक्टिव्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कल रात को उनको वही जो SOPs फॉलो की जा रही हैं उनके तहत उनकी तदफीन की। मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे कल रात से हज़ारों लोगों के फ़ोन और मैसेजेस आए हैं, काफ़ी जो जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस दुख के वक्त में मुझे याद किया। मैं सबसे यही अर्ज़ करूँगा कि अपने घर पे बैठ के उनके लिए दुआ कर लें, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे और उनके सब लवाइकीन को सब्र जमील अता करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घरों में बैठ के हुकूमत की जो डायरेक्टिव्स हैं, हुकूमत की जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए आप घर में बैठ के उनके लिए दुआ करें। एक बार फिर मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि हुकूमती अहकाम को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें। ये अहकाम हम सब की ज़िंदगी बचाने के लिए हैं। आपका शुक्रिया।